अरमान की जो शादी हुई थी 17 साल की एज में हुई थी, उन दोनों की नहीं बनी, वो दोनों अलग हो गए। फेमस यूट्यूबर अरमान मलिक इस टाइम पर ये बात जरूर सोच रहे होंगे कि आखिर उन्होंने ऐसी क्या गलती कर दी कि बार बार वो ट्रोल्स के हत्थे चढ़ रहे हैं। अरमान मलिक की दोनों पत्नियां पायल और कृतिका आए दिन अपने व्लॉग्स बनाती हैं, फैंस को अपनी डेली लाइफ के बारे में कुछ न कुछ बताती ही रहती हैं। लेकिन इन दिनों पायल और कृतिका के जो व्लॉग सामने आ रहे हैं, वो हर व्लॉग में हमेशा अरमान मलिक को लेकर, अपने बच्चों को लेकर और खुद को लेकर सफाई पेश करती नजर आ रही है। हाल ही के व्लॉग में पायल और कृतिका ने फैंस को अपना कटा हुआ पेट दिखाया, जिसमें कि उन्होंने इस बात को क्लियर कर दिया कि दोनों की प्रेगनेंसी फेक नहीं थी। पिछले काफी टाइम से लोग पायल और कृतिका को उनकी प्रेगनेंसी की वजह से काफी ट्रोल कर रहे थे कि दोनों प्रेगनेंसी का सिर्फ नाटक कर रही हैं और ये तीनों बच्चे किसी और के हैं। पायल, कृतिका, अरमान ने इन तीनों बच्चों को गोद लिया है। जब सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग बहुत ज्यादा बढ़ गई तो पायल और कृतिका ने अपना नया व्लॉग बनाया और फैंस को इस बात को क्लियर कर दिया कि तीनों बच्चे उन्हीं के हैं और उन्होंने इन तीनों बच्चों को जन्म दिया है। अपने व्लॉग में पायल कृतिका ने अपने स्ट्रेचेस को दिखाया, अपनी प्रेगनेंसी जर्नी को दिखाया। लेकिन इस व्लॉग में पायल कृतिका ने एक बात को और डिस्कस किया जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और वो है अरमान मलिक की पहली शादी। पिछले काफ़ी टाइम से अरमान मलिक को लेकर ऐसे काफ़ी सारे व्लॉग्स बनाए गए जिसमें इस बात के ऊपर ज़्यादा जोर दिया गया कि अरमान ने कभी भी अपनी पहली पत्नी यानी कि सुमित्रा के बारे में कुछ नहीं बताया। अरमान मलिक की पहली पत्नी को लेकर लोगों ने काफ़ी सवाल किए और ये भी कहा कि अरमान ने आखिर अपनी पहली पत्नी सुमित्रा के बारे में अपनी किसी भी व्लॉग में क्यों नहीं बताया। अब जब सोशल मीडिया पर अरमान की पहली पत्नी को लेकर इतने सारे सवाल हैं कि आखिर सुमित्रा है कौन, तो ऐसे में पायल कृतिका दोनों ने अपने ब्लॉग में इस बात का खुलासा कर दिया कि हाँ, अरमान मलिक ने उन दोनों से पहले एक और शादी की थी जिस लड़की का नाम सुमित्रा था। और इतना ही नहीं, अरमान और सुमित्रा के दो बच्चे भी हैं जिनमें एक बेटा और एक बेटी है। पायल मलिक ने अपने ब्लॉग में इस बात का खुलासा कर दिया है कि अरमान मलिक ने पहली शादी की थी जिस लड़की का नाम सुमित्रा था और उनके दो बच्चे भी थे। पायल ने इस बात को भी क्लियर कर दिया है कि अरमान मलिक ने सुमित्रा से तलाक ले लिया था और जो भी उस टाइम पर पैसा बनता था वो उसे दे दिया था। अब अरमान मलिक इतने बड़े यूट्यूबर बन गए हैं तो उनकी पिछली लाइफ को लेकर काफी सारी ऐसी बातें हैं जो कि सोशल मीडिया पर उछाली जा रही हैं, और इनमें एक बात है अरमान मलिक की पहली शादी के बारे में जिसको लेकर लोगों ने अरमान और उनकी पूरी फैमिली को गंदे तरीके से ट्रोल किया। लोगों का कहना है कि अगर आप अपनी डेली रूटीन को लोगों के सामने इस तरीके से रखते हैं और आपने पायल और कृतिका के साथ शादी को लेकर इतने सारे व्लॉग्स बनाए तो आखिर अपनी 17 साल पहले की शादी को क्यों नहीं दुनिया के सामने रखा। लोगों को इस बात से नाराजगी है कि अगर आपने एक और शादी की हुई थी तो आखिर क्यों आप दो पत्नियों वाले अरमान मलिक बनते हैं। आपको तो दुनिया को ये भी बताना चाहिए था कि आपने दो नहीं बल्कि तीन शादियां की हैं। फाइनली पायल और कृतिका ने इस बात को कंफर्म कर दिया है कि अरमान मलिक की दो नहीं बल्कि तीन पत्नियां थी जिसमें से एक के साथ उनका डिवोर्स हो गया है। अभी तक ये बातें सिर्फ रिपोर्ट्स में कही जा रही थी कि शायद अरमान ने एक और शादी की थी, लेकिन फाइनली पायल और कृतिका ने अपने नए ब्लॉग में इस बात को क्लियर कर दिया है कि हाँ, अरमान मलिक ने 17 साल की उम्र में शादी की थी और उनके दो बच्चे भी हैं और उस लड़की से अरमान ने तलाक ले लिया है। अब जब पायल ने इस बात को कंफर्म कर दिया है कि अरमान ने पहली शादी की थी और पायल कृतिका से पहले उनकी एक पत्नी थी जिसका नाम सुमित्रा था, तो उस पूरे मामले पर क्या कहना चाहते हैं आप? आपकी जो भी राय है हमारे कमेंट सेक्शन में आकर जरूर बताएं। अगर आपने फिल्मी बीट को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो उसे भी लाइक कीजिए। बॉलीवुड टीवी से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए फिल्मी बीट।